एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा लूथरा। दोस्तों आज बात करने वाली हूं वेट लॉस की। वेट लॉस तो हम सभी करना चाहते हैं, लेकिन वेट लॉस करने के लिए, स्लिम होने के लिए, फैट टू फिट होने के लिए ज़रूरत पड़ती है सही डाइट की, माइंडफुल ईटिंग की और एक्सरसाइज की, जो कोई भी करना नहीं चाहता, या कुछ लोग करना तो चाहते हैं लेकिन सुबह उठकर वेट लॉस रेमेडीज बनाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है और हर किसी के पास टाइम भी नहीं होता है। सुबह सुबह किसी के बच्चे छोटे हैं, उनको तैयार करके सुबह सुबह स्कूल भेजना होता है, किसी को ऑफिस जाने की जल्दी होती है, तो किसी का जॉब का नेचर ही ऐसा है कि उन्हें हफ्ते में 2-3 दिन घर से बाहर रहना पड़ता है। तो ऐसे में वेट लॉस रेमेडीज को फॉलो करें तो कैसे करें? तो बहुत टाइम से आप लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं एक ऐसा वेट लॉस सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूं जिसे एक तो रोज रोज सुबह सुबह बनाना ना पड़े और जिसे सुबह सुबह खाली पेट पीना ना पड़े और साथ ही साथ जो इफेक्टिव भी हो। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा ही मैजिकल वेट लॉस सॉल्यूशन लेकर के आई हूं जिसे ना तो सुबह बनाने का झंझट है, ना ही सुबह खाली पेट पीने का झंझट है, और इसे कभी भी आप ले सकते हो, और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ माइंडफुल ईटिंग के टिप्स भी शेयर करूँगी जिनकी हेल्प से आप बिना डाइटिंग किए भी वेट लॉस कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है, टॉपिक पसंद आ रहा है, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, थम्सअप का बटन नीचे है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि उसी से मुझे मिलेगी ढेर सारी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। वेल, वेट लॉस का ना एक सिंपल सा फंडा होता है, हम दिन भर में जो कुछ भी खाते हैं उससे हमारी बॉडी को कैलोरीज मिलती हैं और इन कैलोरीज को ही हमारी बॉडी फ्यूल के रूप में यूज करती है दिन भर के कामों को करने के लिए, इसी से एनर्जी मिलती है। अब दिन भर के लिए जितनी कैलोरीज हमारी बॉडी को चाहिए उनको वो यूज़ कर लेती है, लेकिन बाकी की जो कैलोरीज हैं वो उन्हें हमारी बॉडी में ही फैट के रूप में जमा करती चली जाती है। अब जब हम कम खाते हैं, जब हम कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, तो फिर हमारी बॉडी फैट के रूप में जमा इन कैलोरीज को निकालती है और खर्च करना शुरू करती है। तो सिंपल सी बात है, अगर वेट लॉस करना है तो कम कैलोरीज कंज्यूम करनी होंगी, जिससे कि हमारी बॉडी पुरानी जमा कैलोरीज को, जो कि फैट के रूप में स्टोर्ड है हमारी बॉडी में, उनको यूज कर सके। और प्रोटीन के इनटेक को बढ़ाना होगा, क्रेविंग्स को रिड्यूस करना होगा। अब कम कैलोरीज कंज्यूम करने का मतलब है डाइटिंग करना। डाइटिंग से वेट तो लूज होता है, लेकिन इससे हमारी बॉडी में ढेर सारी वीकनेस आ जाती है, कई लोग तो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, शरीर में किसी काम को करने की एनर्जी नहीं बचती है। तो ऐसे वेट लॉस का क्या करना है भाई, जो शरीर ही नाकारा हो जाए। दूसरी बात, कई लोग कहते हैं कि प्रोटीन खाओ, प्रोटीन शेक पियो, इससे आपका मोटापा चला जाएगा। लेट मी टेल यू, खाली प्रोटीन खाना भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, एक्सेसिव प्रोटीन भी अच्छा नहीं है। यू नो, ये प्रोटीन अगर हम लेडीज़ लेती हैं तो समटाइम्स बॉडी मैन लाइक हो जाती है और हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो जाता है। एंड प्रोटीन के साथ साथ हमें दूसरे न्यूट्रिएंट्स की, दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स की भी ज़रूरत है, एनर्जी की भी ज़रूरत है, ताकि हमारी बॉडी फिट रहे, और साथ ही साथ क्रेविंग्स को रिड्यूस करने की ज़रूरत है। तो हमें एक ऐसा कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए जो कि हमारे फैट को भी बर्न करे, हमारे को एनर्जी भी दे, साथ ही साथ हमारी क्रेविंग्स को भी रिड्यूस करे। तो यहाँ काम आता है एनमी का गो स्लिम ड्रिंक। दिस इज स्पेशली मेड फॉर वुमेन। वुमेन के लिए स्पेशल ड्रिंक क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी मेन से काफ़ी काफ़ी डिफरेंट है। हर महीने you know, हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एंड पूरे अगर हम लाइफ लॉन्ग की बात करें तो हमारी बॉडी कई सारे चेंजेस से गुजरती है, टीनेज से लेकर, शादी होने से लेकर के, बच्चा होने तक, डिलीवरी के बाद, उसके बाद मेनोपॉजल टाइम पर, you know, बहुत सारे चेंजेस हमारे शरीर में होते हैं, हमारे हार्मोन्स बदलते रहते हैं, हमारा मेटाबॉलिक रेट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। इसलिए हम वुमेन को स्पेशल ड्रिंक की ज़रूरत है जो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग बनाया गया हो। दूसरी बात, इस छोटी सी बॉटल में आपको 24 ऐसे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाते हैं जो कि वेट लॉस के लिए बहुत बहुत अच्छे हैं। इसमें है गार्सिनिया कंबोजिया, माचा टी, ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट, जो कि एक्सेलेंट फैट बर्नर हैं, जो कि आपके मेटाबॉलिक रेट को तेज करते हैं, आपके फैट बर्निंग प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं, जिससे जल्दी से जल्दी मोटापा भी बिखरने लग जाता है।
इसमें है पी प्रोटीन, जो मटर से निकाला गया प्रोटीन है, वेजिटेरियन सोर्स है, जो कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। साथ ही साथ क्रोमियम फाइबर है इसके अंदर, जो कि आपकी क्रेविंग्स को रिड्यूस करता है। मील्स के बीच में जो बार बार खाने की इच्छा आपको होती है ना, वो आपकी क्रेविंग्स रिड्यूस हो जाती है, आप हेल्दी खाते हो और आपको बार बार भूख भी नहीं लगती है। इसमें है अश्वगंधा, जो कि आपके स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करता है, साथ ही आपकी मेंटल हेल्थ को सुधारता है, इमोशनल हेल्थ को सुधारता है। और इसमें विटामिन B1, B2, B3, B6, B12 और अदर आयुर्वेदिक हर्ब्स भी हैं, जो कि पूरा दिन आपके शरीर में एनर्जी बनाए रखती हैं। तो इन शॉर्ट, दिस वन बॉटल बर्न्स योर फैट, गिव्स यू एनर्जी एंड एज वेल एज रिड्यूस योर क्रेविंग्स। एंड सबसे बड़ी बात, इसे आप कभी भी ले सकते हो, कभी भी कंज्यूम कर सकते हो, रोज रोज बनाने का कोई झंझट ही नहीं है। सुबह नाश्ते से पहले ले सकते हो, नाश्ते के बाद ले सकते हो, लंच से पहले, लंच के बाद, शाम को, कभी भी जब आप फ्री हो तब आप इसे ले सकते हो, ऑफिस कैरी करके लेकर जा सकते हो, सफर में कैरी कर सकते हो। तो रोज रोज आपको बनाने का कुछ झंझट नहीं है। हाँ, मैं वेट लॉस जर्नी पर हूँ तो मुझे ये रेमेडी बनानी है, नहीं, बस ये बॉटल आपको कैरी करनी है, जहां भी आप जाएं कभी भी आप इसे ले सकते हो। कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है इसके अंदर, कोई एडिटिव्स ऐड नहीं किए गए हैं, कोई आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं किया गया है, 100% नेचुरल है ये ड्रिंक और सेफ है सभी लेडीज के लिए। बस इसकी एक बॉटल आपको रोजाना पीनी है, एक महीने में ही आपको रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे, आप वेट लॉस टारगेट को अचीव कर पाएंगे, फैट से फिट हो जाएंगे। एंड मी गो स्लिम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं और अपनी वेट लॉस जर्नी इस ड्रिंक के साथ शुरू कर सकते हैं, आपको बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। अब बात करते हैं माइंडफुल ईटिंग की। वेल, माइंडफुल ईटिंग बहुत जरूरी है अगर आप फैट से फिट होना चाहते हैं, क्योंकि अगर सोच विचार करके खाएंगे तो बिना डाइटिंग किए भी बड़ी आसानी से पतले हो सकते हैं। तो चलिए बताती हूँ कुछ हैक्स, कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स माइंडफुल ईटिंग की। हैक नंबर 1, ईट सैलड बिफोर मील्स। खाना खाने से पहले आप सलाद जरूर खाइए, सलाद में बहुत सारा फाइबर होता है और इससे आपका पेट काफ़ी हद तक भर जाता है, इसलिए खाने में आप कम कैलोरीज कंज्यूम करेंगे, तो सलाद खाना बहुत बहुत ज़रूरी है। टिप नंबर 2, रिड्यूस योर कार्ब्स। यहाँ मैं डाइटिंग की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ कार्ब्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को रिड्यूस करने की बात कर रही हूँ। 2 की जगह 1 रोटी खाओ, लेकिन उसकी बजाय आप सैलेड ज़्यादा खा सकते हो, आप फ्रूट ज़्यादा खा सकते हो, आप दाल ज़्यादा ले सकते हो। तो सिर्फ कार्ब्स हमें रिड्यूस करने हैं, ना कि अपनी डाइट रिड्यूस करनी है। टिप नंबर 3, गेहूं के आटे की जगह पर आप गेहूं, चना और जौ को मिला करके, इक्वल क्वांटिटी में मिला करके आटा गूंथें, उसकी रोटी खाएं, आपके पेट पर वो भारी नहीं पड़ेगी और आपको इंस्टेंट एनर्जी भी देगी, पेट भी लंबे समय तक भरा रहेगा और साथ ही साथ आपको मोटा भी नहीं करेगी। टिप नंबर 4, 32 बार चबाकर खाएं। एक बाइट को 32 बार चबाइए, आप कभी मोटे नहीं होंगे। टिप नंबर 5, कभी भी जब मूड खराब हो, गुस्सा आ रहा हो, खाइए मत, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कितनी क्वांटिटी खाने की खा जाओगे, क्योंकि जब हमारा मूड ऑफ होता है ना तो हम अनहेल्दी खाते हैं और ज़्यादा खाते हैं। टिप नंबर 6, अपनी डाइट में से केचप और सॉसेस को बिल्कुल निकाल दीजिए। ये केचप और सॉसेस आपकी बॉडी में ब्लॉटिंग करती हैं, जिससे कि आपको वाटर रिटेंशन होता है, वेट लॉस होने ही नहीं देती हैं। केचप और सॉसेस को फ्रिज से निकाल करके फेंक दीजिए, इसके बजाय आप घर में पुदीने की, धनिया की चटनी बनाकर खाइए, इससे ब्लॉटिंग भी नहीं होगी, डाइजेशन भी आपका अच्छा होगा और आप वेट लॉस टारगेट इजीली अचीव कर पाओगे। टिप नंबर 7, डीप फ्राई की जगह स्लिम फ्राई करो। कोई चीज़ हम 2 बूंद तेल में भी बना सकते हैं और उसकी जगह हम 2 चम्मच तेल भी डाल सकते हैं, तो थोड़ा सा माइंडफुल होना है, थोड़ी क्वांटिटी में ऑयल यूज़ करें। टिप नंबर 8, नींद पूरी लें। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती है, हम स्ट्रेस में होते हैं ना, तो हम ज़्यादा खाते हैं, अनहेल्दी खाते हैं और नींद पूरी ना होने से हमारा मेटाबॉलिक रेट भी स्लो डाउन हो जाता है, तो इंश्योर करें कि दिन में 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। टिप नंबर 9, शाम को 4 से 5 बजे के बाद सॉल्ट ना लें तो बेहतर है। नमक जितना कम खाएं उतना अच्छा है और शाम को तो कम से कम खाएं। टिप नंबर 10, चीनी की जगह पर गुड़ यूज करें या फिर स्टेविया यूज करें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आई थिंक आपको पता भी होंगी, लेकिन हम नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से बूंद बूंद करके हमारा वेट बढ़ने लगता है।
इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ एनमी का ये गो स्लिम ड्रिंक पीजिए, आप जल्दी से जल्दी अपना वेट लॉस टारगेट अचीव कर पाओगे, जल्दी से जल्दी स्लिम हो जाओगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप भी अपने वेट लॉस टारगेट को जल्दी अचीव कर पाएंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। लाइक का बटन अभी तक नहीं दबाया है तो अब तो दबा दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी आप लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। तो मैं मिलूंगी आपसे एक और अच्छी सी हेल्थ टिप या किसी ब्यूटी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।